हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज मैं आपको मसाले की वो आलू की तहरी बनाकर दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी बनती है आलू और चावल की तहरी। चलिए तहरी बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है। देखिए, इसके लिए मैंने आलू काट लिए बारीक चॉप्ड। इस तरह से आप आलू काट लीजिए और धोकर अच्छे से धो लीजिए। इस साइड में कर देंगे हम चावल। मैंने भिगो लिए हैं। जितने आपको चावल क्वांटिटी में बनाने हैं आप उतने ले सकते हैं। यही पर दो मैंने छोटे टमाटर काटे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और तीन हरी मिर्चें लिए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हम आधा चम्मच हल्दी डाल, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। नमक भी स्वाद अनुसार डालेंगे। आप काट देंगे, बारीक कट कर देंगे। हम चटपटी तहरी बना रहे हैं आलू की। एक प्याज ले लेंगे, इसको बारीक काट लेंगे चॉप करके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक बारीक चॉप प्याज भी काट ली और थोड़ा सा मैंने आम का अचार ले लिया और कुछ गरम मसाले लिए। मैंने ज़ीरा लिया है, देखिए दो लौंग लिए काली। अब सबसे पहले अपने गरम मसाले डाल देंगे। जो हमने गरम मसाले लिए थे वो डाल देते। अब बारीक चॉप प्याज काटी थी वो डाल देते। तेज़पात के पत्ते डाल देते हैं। अब जो हमने मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको इसमें डाल के मिला देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। काटे थे साथ में हमने जो दो टमाटर काटे थे वो डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक के कच्चेपन को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल अच्छे से भून भून कर। अच्छे से मसाला भून चुका है। आलू की तहरी बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होगी। अब आलूओं को भून लेते हैं थोड़ा सा, इसके साथ थोड़ा पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। चावल डाल देते हैं। अब कुकर को बंद करेंगे और बंद करके इसमें चार से पाँच सीटी हम लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितनी टेस्टी आलू की तहरी बनकर तैयार हुई है। चलिए हम सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको हम दही के साथ सर्व करेंगे और कुछ खीरे ऐड करेंगे इसके अंदर।